वाली मॉडल पेपर की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो आप तो अपनी तैयारी पूरी रखें और अपनी तैयारी के साथ इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को भी अवश्य ही याद कर लें। यह मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं वह ट्वेल्थ फाइनल एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि केमिस्ट्री की परीक्षा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए, तो अब करते हैं हम आज की वीडियो की शुरुआत। तो जैसा कि मैं अब इस मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ, जैसा कि प्रश्न है, अपना खालिस्तान दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। किस दोष के कारण अपना क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है आपको बताना है। शॉटकी दोष, कौन सा दोष? शॉटकी दोष, कौन सा दोष? शॉटकी दोष। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस का नाम बताना है। तो कौन सी गैस है वो अपनी? रेडोन, इसे हम RN से रिप्रेजेंट करते हैं, RN से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रक्त का शोधन खालिस्तान विधि द्वारा किया जाता है। तो कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? अपोहन, कौन सी? अपोहन, अपोहन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एथिल एमीन अमोनिया से खालिस्तान क्षारीय है। तो ये क्या है? अधिक क्षारीय है। किससे? एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है। तो किसका बहुलक है आपको बताना है? एमिनो एमिनो अम्ल का, किसका? एमिनो अम्ल का। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नाइट्रोबेंजीन का सामान्य नाम क्या है? तो आपको बताना क्या नाम है सामान्य नाम? मीरवेन का तेल। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपना आर्नहीनियस समीकरण बताना है। तो आर्नहीनियस समीकरण क्या है अपना? के बराबर ए इंटू ई माइनस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, के बराबर ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर रिटार्ट विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है आपको बताना है? ये ऊर्ध्वाधर रिटार्ट विधि द्वारा, तो जेड एन, कौन सी धातु? जेड एन जिंक धातु का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है अपनी? -1 है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उदासीन संकुल का उदाहरण बताना है। तो उदासीन संकुल का उदाहरण क्या है अपना? SN ब्रैकेट में आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला है, तो इसका उत्तर क्या है? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नैनो पेप्टाइड का उदाहरण है, नैनो पेप्टाइड का उदाहरण क्या है आपको बताना है? ऑक्सीटोसिन, क्या है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड, तो कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है अपना? रक्त, क्या है? रक्त। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पिघले हुए AlCl3 से 1 मोल एल्यूमिनियम धातु पृथक करने हेतु आवश्यक विद्युत आवेश की मात्रा होगी, तो क्या होगी? 3F, क्या होगी? 3F होगी। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ, क्या? शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है शुष्क बर्फ अपना? आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। किसका? आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, घनाकार बंद संकुलन, तो घनाकार बंद संकुलन क्या है अपना? NI, क्या? NI। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वायुदान में संकेतनक की मैचिंग किससे मिलेगी अपनी? एनी से, एनी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राइबोस शर्करा, तो राइबोस शर्करा क्या है अपना? किसमें उपस्थित होता है? RNA में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, तो मस्टर्ड तेल अभिक्रिया की मैचिंग अपनी किससे मिलेगी? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, तो इसकी मैचिंग अपनी किससे मिलेगी? NI ब्रैकेट में CO ब्रैकेट क्लोज 4। तो जैसा कि अपने शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो देख लेते हैं ना, अंतर हेलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक क्या, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ठीक, इसके अथवा में उत्तिंगल प्रभाव क्या है? जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द्विक लवण क्या है? क्या? द्विक लवण
द्विक लवण क्या है? कार्बोधातु यौगिक किन्हें कहते हैं? किन्हीं दो प्रोटीन के नाम एवं कार्य लिखिए। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील दो विटामिनों के नाम एवं एक एक के कार्य लिखिए। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न, नवा अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में चार अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, दर्शाइए कि इसका मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है अपना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण की हाल व हेराल्ड अपघटनी विधि का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों पर कीजिए। तो जैसा कि दिया गया है कि सेल का नामांकन चित्र, दूसरा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ढलवा लोहा पिटवा लोहा एवं इस्पात के गुणों की तुलना निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला प्रकृति, दूसरा कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तीसरा गलनांक, चौथा कठोरता। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों पर दीजिए। तो वह शीर्षक कौन कौन से, जैसा कि आप देख सकते हैं नामांकित चित्र रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ठीक इसके अथवा में निम्नलिखित के बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो क्या है, पहला DDT, क्या है DDT, दूसरा क्या है BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, तीन छक्के है ना। तो ये इसके बनाने की विधि का हमें वर्णन करना है। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीरे से एथिल एल्कोहल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करना है। तो जैसा कि ये अभिक्रिया आप देख सकते हैं, इन्हें आपको पूर्ण करना है, और ये एरो लगा हुआ है, तो आपको इन्हें अभिक्रिया को पूर्ण करना है। नेक्स्ट, जैसा कि अगला प्रश्न है, आप जैसा कि देख सकते हैं क्या है प्रश्न, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनियम पर क्रिया करता है? बेंजाल्डिहाइड को KCN के एल्कोहल विलयन के साथ उबाला जाता है। एसीटाल्डिहाइड को तनु H2SO4 के साथ अभिकृत किया जाता है। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाता है। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। तो अभिक्रिया कौन सी है, पहली है केनिजारो अभिक्रिया, दूसरी है रोजनमुंड अभिक्रिया। जैसा कि ठीक अगला प्रश्न है, कोलरास का नियम लिखिए। क्या है प्रश्न, कोलरास का नियम लिखिए। निम्नलिखित आंकड़ों से NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो ये अपने, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ आंकड़े दिए हैं, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हमें मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न है अपना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या कैसे बनाया जाता है, इसकी दो सीमाएं लिखिए। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों पर कीजिए। पहला है नामांकित चित्र, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा है विधि का वर्णन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सल्फर के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के नाम, गुणसूत्र एवं संरचना लिखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सल्फर के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के नाम निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। क्या है, ज्वरनाशी प्रतिरोधी रसो चिकित्सा, जैसा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक योगदान को लिखिए। पहला कणाद, चरक, संस्कृत, नागार्जुन, बाणभट्ट। जैसा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी आपको वैज्ञानिक योगदान लिखना है इनका आपको। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा लिखिए। और आगे प्रश्न में कहा गया है कि 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्पदाब 23.75 mm ऑफ Hg है, तब 5% यूरिया के जलीय विलयन का इसी ताप पर वाष्पदाब ज्ञात कीजिए। जैसा कि नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब के मापन की बर्कले हटले विधि का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों पर कीजिए। पहला है नामांकित चित्र, दूसरा है संक्षिप्त वर्णन। जैसा कि अगला प्रश्न है अपना, कारण बताना है अपने को, क्या कारण बताना है। संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है क्यों?
जेड एन सी डी एच जी के लवण रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट, संकरण तत्वों के गलनांक उच्च होते हैं। ठीक, इसके अथवा हमें एक और प्रश्न दिया है, लेंथेनाइड संकुचन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेंथेनाइड संकुचन को समझाइए तथा इसके कारण एवं परिणाम लिखिए। तो ये थे अपने 12th केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अपन ऐसी अगली मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो में।